क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो। हाय। इनका ना बॉल यहाँ पे चला गया है इसके ऊपर, ये ऑरेंज और येलो कलर का, ये यहाँ पे दोनों बॉल गए ऊपर। और बेचारे देखो कैसे खड़े, उनका बॉल गया है तो नहीं निकलेगा वैसे बॉल। अरे तू टायर मारेगा कैसे निकलेगा, तू बता तो। अरे वो पास में है, ज्यादा दूर नहीं गया उनका बॉल। रुक चल अपन जाएंगे, अपन जाके निकालेंगे बॉल। चलो चलो चलो, बहुत इमरजेंसी हो गई है पप्पा। बेचारे बच्चे, इनका बॉल ऊपर चला गया। मैं इनको कब से देख रही थी, ये ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। ये पकड़ तो, मेरे को लॉक खोल लेने थे। क्या है बॉल? वो पत्थर के ऊपर वहाँ पे अटक गया, बीच में। ये यहाँ पे ना, हाँ लाओ दो बैट बाजू में, कितनी मस्त बैट है। अरे लेकिन अपनी हाइट में जाएगी ना वहाँ तक, चढ़ चढ़ के निकालेंगे। हाँ सबसे पतला कौन है ये बता। ये पकड़ बच्चे, ये पकड़। मामा को बुला, मामा को बुला जा। मामा, मामा मेरे को नीचे नहीं उतरने का है। मैं नहीं नीचे उतरता, मैं पुलिस बनने वाला है तो मैं नीचे नहीं चलते। पुलिस नीचे थोड़ी चलते मामा, वो है ना ऐसे ऊपर उड़ के चलते, वो ऐसे लाल पीले हरे नीले काले बत्ती के गाड़ी में चलते, वो पुलिस वाले वो जमीन पे नहीं। ठीक है, कौन कर रहा है बॉलिंग? देखो ये सारे बच्चों ने ना साजिश रची है, मैं ना आउट नहीं हो रही हूँ ना, इसलिए इधर ला वो बॉल। पहले ना कौन सा बॉल था, पहले वो वाला बॉल था तो उससे ना क्या हो रहा था, जम नहीं रहा था, इसलिए वही रबड़ी वाला बॉल लेके आया। देखो फिर भी मैं आउट नहीं हो रही, ये लो करो आउट। में कौन कौन काव्यादी के लिए चेयर्स करने वाला है यहाँ पे? तो अभी है ना ये बच्चों ने ना वो बॉल चेंज कर डाले, अभी है ना वो तो पुराना वाला बॉल जो था वालियों में लेके मैं गायब हो जा रहा, लेकिन वो मेरे को दिख रहा नहीं है इधर, वो बॉल कहाँ गायब करी इन्होंने। मैं अभी शांति से उधर है ना बाजू में मैं खड़ा रहता, जैसे ही वो बॉल मेरे को दिख जाएगा ना मैं उसको गायब करके लेके भाग जाने वाला है। Thank you.
भाई साहब आ जाना, मुझे बहुत मजा आया क्रिकेट खेल के। मैं रोज आया करूंगी ऐसी क्रिकेट खेलने। चिकू देखो भी मजा आया ना मम्मी, मैंने कैसे क्रिकेट खेला, बहुत अच्छा खेला। दिखाओ पापा क्या गिफ्ट है मेरे लिए। अरे ये शायद से YouTube पे आया वाला है। YouTube से आया है। करो अनबॉक्स। क्या है? न्यू ईयर का गिफ्ट रहता है YouTube की तरफ से। अभी क्या मालूम मेरे को क्या रहता, लेकिन देखेंगे तो सही। कुछ अच्छा होना चाहिए इसमें। वाह कितना मस्त पैक किया है। ऐसा खोलने का उसको। पापा इंजीनियर आप है ना। अच्छे से पापा रिबन कट जाएगी। अरे नहीं कटती। आप पढ़ लेना इस पे क्या लिखा है। मुझे जल्दी से ये ओपन करना है और देखना है इसमें क्या है। इसको एकदम अच्छे से रखना होगा, है ना मम्मी? कितनी मस्त रिबन है ये। हाँ ना, कितना अच्छा सजा है इसको। चलो इसको ओपन करो। 1 2 3। वाओ क्या है इसमें। अरे ये तो कुकीज है। एक सेकेंड ना। और इसमें क्या है? कितना मस्त पैकिंग करके दिया है देखो। क्या होगा इसमें? अरे ये तो कैंडल है देखो। और ये सेकंड इसमें क्या है? शायद ये भी कैंडल ही है। हाँ ये भी कैंडल है। और ये बड़े वाले इसमें क्या है? वाह ये तो शायद टी-शर्ट है। अरे तो YouTube वाली बैग है। मम्मी ये आपके काम की चीज है। ठीक है। और इसमें क्या है? वाओ YouTube वाला मग भी है इसमें। मैं अभी इसी में चाय पिया करूंगी। और इसमें मेरा नाम भी लिखा हुआ है। वाओ देखो कितना मस्त मग है। और लास्ट अभी एक ही बाकी है। ब्लैक टी, लेमन टी, ग्रीन टी। YouTube ने ये भेजा मुझे। YouTube मैं तो नहीं पीती है, लेकिन पी लूंगी अभी आपने भेजा है तो। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये मग लगा, देखो ना कितना मस्त है। और ये YouTube गिफ्ट है ना, मुझे गिफ्ट बाय राशि ने भेजे। थैंक यू गिफ्ट बाय राशि। ये देखो इसमें ना एक डायरी भी है। ये होगी मेरी ब्लैक डायरी सीक्रेट की। बच्चे ये ले, ये खा। आ खाना, खा के बता कैसा है। टूट रहा नहीं क्या? बहुत मस्त है यार। देखो बहुत दिन हो गए मैंने ना अपने हेयर्स पे कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं की है। बस है ना लास्ट टाइम हेयर स्पा किया था, वो भी जब हम अहमदाबाद गए थे ना गुजरात घूमने के लिए, तभी किया था। उसके बाद से ना मैंने कुछ भी नहीं किया, तो 2 महीने हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया। और देखो ना मेरे बाल कितने ज़्यादा ख़राब, ड्राई और अलग ही हो गए। मतलब यहाँ से गोल्डन दिख रहे हैं, बीच में ब्लैक दिख रहे हैं, ऊपर अलग ही हो गए। तो मैंने ना मम्मी को बोला हम कुछ करा लेते हैं, तो सुनो मम्मी क्या बोलती है। मम्मी इधर आओ ना। तो मैंने ना मम्मी को सुबह ही बोला था कि मेरे बाल देखो कितने ज़्यादा ख़राब हो गए, और यहाँ पे हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं ना, तो उससे और भी ज़्यादा ख़राब हो गए बाल। तो फिर मम्मी क्या करना है अभी बताओ। अभी हेयर स्पा करवाएंगे और हेयर कलर करवाएंगे। देख कितना यहाँ पे अलग कलर। हाँ। यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, तो दिखाई देता है ना, तो अच्छे नहीं लगते बाल, इसलिए हेयर कलर करवाएंगे। हाँ मैंने भी वही बोला। पीछे से ख़राब हो गए ना पूरे पूरे, झाड़ू के जैसे लग रहे पीछे से बाल। मम्मी झाड़ू तो मत बोलो।
देखना कितने खराब लग रहे हैं। मुझे अपने खुद के हाथों से है ना इतने ज्यादा रफ और ड्राई लग रहे हैं ना बाल। चलो फिर हम लोग चले मम्मी। हाँ चल। पापा नहीं है उससे पहले हम निकल लेते, पापा भी काम पे है ना, पापा को आने के बाद में मेरे बाल दिखाएंगे। चल देखो मेरी नानी मेरा वीडियो देख रही है, आई है बघ माझे केस बघ कसे झाले, लय खराब झाले बाई केस, चांगले करून येते का? लेट्स टॉक, चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं। और हम हेयर कट वगैरह कुछ नहीं कराएंगे क्योंकि अगर हमने हेयर कट करा लिया ना नानी पापा सब बहुत चिल्लाएंगे। मम्मी हम अगर हेयर कलर करने वाले तो हम कौन सा हेयर कलर करेंगे? देखेंगे ना वहाँ जाके पता करेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। हाँ क्योंकि है ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों के नहीं सालों के बाद में मैं हेयर कलर करा रही हूँ। कब किया था हमने लास्ट हेयर कलर? 2 साल पहले। हाँ बहुत साल हो गए ना इसीलिए हम हेयर कलर करा रहे हैं। पापा गुस्सा तो नहीं होंगे ना? पता नहीं पापा के रिएक्शन देखेंगे। हाँ नहीं गुस्सा नहीं होंगे। अभी है ना हम लोग सोनल दी के लिए वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब से आ रही है सोनल दी, कॉल करो ना मम्मी। आधा घंटा लगा रही वो। देर हमेशा ही होती है इसको देर। बाप रे कितनी ठंडा आता है। ठीक ठंडी। हाँ ये वाला ठीक है 7.3 अच्छे तो लगेंगे ना। पापा कुछ बोलेंगे तो नहीं? मम्मी देखो आपके भरोसे पे करा रही हूँ मैं, पापा ने कुछ बोला तो आपको भी सुनना पड़ेगा। ठीक है ठीक है डन। कितना सोच विचार कर रहे हो मम्मी आप? मुझे मेरा कुछ नहीं, पप्पा का टेंशन आ रहा है कि पप्पा चिल्लाना नहीं बोल। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गई कौन सा अच्छा लग रहा है। देखा मेरे बिफोर बालों का कितना गंदा हो गया है, देखो मेरे बाल देखा है? ये देखो। चलो अभी इसको है ना अच्छा करने का ट्राई करते हैं। आप बताओ मेरे है ना हेयर कलर के बाद बाल अच्छे तो लगेंगे ना, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन आ रहा है क्योंकि है ना पापा को बिल्कुल नहीं पसंद मेरे बालों पे कुछ भी हो या फिर मेरे बाल कट हो। कट तो नहीं करेंगे वैसे, बस हेयर कलर ही करा रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। मम्मी दीदी क्या कर रही? स्पा करवा रही। वाह कलर वाली क्रीम होती है ना वो लगाएंगे शायद से, फिर उसके बाद में आधा घंटा रहना पड़ेगा ऐसे, इतना ही पता है मेरे को, बताती हूँ मैं पूछ के। तो 30 मिनट है ना ऐसे ही बैठना। और देखो हेयर कलर है ना दिख रहा है ऊपर से मम्मी, दिख रहा है देखो, हेयर वॉश करने के बाद में देखेंगे देखो कैसे लग रहा है। ऐसे लग रहा है किसी ने ना मेरे ऊपर कीचड़ डाल दिया। देखो कैसे लग रहा है मम्मी? सच में आप बताओ बस आपको कैसे लग रहा है? अभी थोड़ी समझ में आएगा, सूखने के बाद समझ में आएगा। पापा ने भेजा थे। देखो ना पापा कितने केयरिंग है, पापा को पता चला मैं यहाँ पे पार्लर में हूँ तो पापा ने मेरे लिए पिज्जा भेज दिया। मेरे को अच्छे लग रहे हैं, आप सबको कैसे लग रहे हैं बताओ? थोड़ा सा लुक चेंज हो गया ना मेरे बालों का।
मेरे बालों का आफ्टर लुक कैसे लगा? मतलब एकदम ही चेंज हो गए मेरे बाल, मुझे भी थोड़ा सा नया नया लग रहा है। आप सब बताओ, अच्छे लग रहे हैं ना? और हाँ, इधर आओ मम्मी, मम्मी ने भी हेयर स्पा किया है। मम्मी के बाल बताओ कैसे लग रहे हैं? हम दोनों के बाल ना बहुत ड्राई और ख़राब हो गए थे, इसलिए मम्मी ने भी हेयर स्पा करा लिया। और आपको पता है ये सब का खर्चा, चल घर अब बताने दो ना मम्मी, और मैं बताऊंगी। नहीं चल, ठीक है घर पे चलो, पापा को तो बताना पड़ेगा, तब सुन लेना आप। चलो चलो ना, मामा को बुलाओ ना। मामा नहीं है, ऑटो से जाना पड़ेगा। मामा गए? हाँ। हमें छोड़ के? फिर इतनी देर रुकता था क्या? सोनल दी, तूने तो बताया ही नहीं मेरे बाल कैसे लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे क्या? बहुत अच्छे, सच में अच्छे दिख रहे। थोड़ा जोर से बोल। अच्छे दिख रहे टिप्पू। पानी पूरी खिलाएंगे ना तो ताजा हो जाएगी। पानी पूरी खाएगी और आवाज बहुत जोर से निकालेगी, है ना सोनल दी? यस। हाँ, अभी कैसे निकला देखो, बहुत ठंडी है। हमने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं लाया, लेकिन महाराष्ट्र में इतनी भी ठंड नहीं है कि हम स्वेटर वगैरह कुछ पहने, बस रात को थोड़ी सी ठंडी लगती है, बाकी कुछ नहीं। आ गए हम लोग पानी पूरी खाने, अंकल तो हमको कर लिया। ये ले, कटोरी लेके खड़े रहो। कैसे कटोरी लेके खड़े हैं दोनों? पानी पूरी के लिए तो खड़े रह ही सकते। चलो बाय करो। बाय बाय सोनली, लेकिन मामा को आने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम ही जा रहे हैं। हम हिम्मत करके घर पर तो जा रहे हैं, लेकिन है ना मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे जैसे घर पास में आ रहा है ना, मुझे यही सोच रही हूँ मैं कि पापा मेरे ये बाल देख के क्या बोलेंगे, उनको मेरे बाल पसंद आएंगे कि नहीं, और नानी का क्या रिएक्शन होगा, नानी को भी पसंद आएगी कि नहीं, देखते हैं घर पर जाके। ठीक है, थैंक यू, बाय। ओ भाई साहब, पापा क्या बोलेंगे? मम्मी चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी आप संभाल लेना, ठीक है, पापा के गुस्से को। पापा नहीं है पर घर पे। पापा को रात को अपने बाल ही नहीं दिखाए थे, तो अभी है ना पापा बाहर टीवी देख रहे हैं, तो चलो जल्दी से है ना मैं अपने बाल पापा को दिखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पापा कैसे रिएक्ट करते हैं और पापा को मेरे बाल पसंद आते हैं कि नहीं। अब मैं बस कॉम कर लूँ, क्योंकि थोड़े से टेढ़े हो गए मेरे बाल, देखो। मुझे ना पापा की क्लियर रिएक्शन लेना है, तो मैं मम्मी को आवाज देती हूँ। मम्मी बाहर ही बैठी है, तो मम्मी कैमरा पकड़ लेगी। मम्मी एक मिनट अंदर आओ, मैं इधर। आप पहले फोन लेके बाहर बैठे रहो सोफे पे, पापा की एकदम अच्छे से रिएक्शन आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, दे इधर ये ना, मैं आवाज दूँ तब आती हूँ। ठीक है, ठीक है, जाओ। कुछ नहीं, वो कुछ दिखाना चाहती है आपको। आवाज कम करो टीवी का। क्या दिखाने का? कुछ खरीद के लाया क्या? नहीं। आपको साथ नहीं करोगे ना? क्या करें तुमने? बाल कट करें क्या? नहीं। आ बोला। ये देखो। ये तो फॉरेनर बन गई क्या? लग रहा अमेरिका से आई।
क्या करे, कलर करेगा बाल को? हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है पर क्यों करे? वो खराब हो गए थे ना। कितने में करे कलर? पापा बताओ पहले, अच्छे लग रहे हैं ना? जब तक आप कुछ अच्छा बोलोगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगेगा। अच्छा लग रहा है। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। एंड अब नेक्स्ट वीडियो होगा मकर संक्रांति सेलिब्रेशन, बड़ा मजा आने वाला है, आप बस वेट करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।